नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर क्लर्क हैं, उनको जो है अब कंप्यूटर की परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनसे जो है नौकरी छीन ली जाएगी और उनकी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। देखिए, जो कन्फर्मेशन है यानी कि जो HSSC के थ्रू लगे हुए पक्के हैं उनकी नौकरी तो नहीं जाएगी, क्लर्क जो पिछली भर्ती में लगे थे उनकी नौकरी नहीं जाएगी अगर आपकी परीक्षा पास नहीं होती है तो, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी उनकी चली जाएगी जो एडहॉक पर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं या फिर DC रेट पे लगे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क हैं, और जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाएगा उनकी नौकरी अब हाथ से जाने वाली। पूरी खबर क्या इस वीडियो में बात करेंगे, क्या ये हरियाणा सरकार का सही स्टेप है गलत है वो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। सरकारी विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को करनी होगी परीक्षा पास, अन्यथा नौकरी से छुट्टी। दोस्तों, समान काम समान वेतन की घोषणा के बाद बेहतर पगार की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है। इस पर अमल करने के लिए सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता आड़े आ रही है। फिलहाल जिले के तमाम अनुबंधित आउटसोर्सिंग पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए इस परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। परीक्षा की तिथि तय होने के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे कर्मचारियों में खलबली मच गई है। इस चुनाव के बाद कार्यरत तमाम कर्मचारियों को परीक्षा भी देनी होगी जिसके बाद उनका भविष्य तय होगा। हालांकि इस परीक्षा की तिथि विधानसभा चुनाव से पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन अब शुक्रवार को जारी किए गए पत्र के बाद कर्मचारियों को में इसको लेकर रोष, वही नौकरी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। रेवाड़ी जिले के कर्मचारियों की पंचकुला में 3 नवंबर को परीक्षा होगी। तो अगर मैं बात करूँ स्पेशली रेवाड़ी जिले की, तो उनकी 3 नवंबर को परीक्षा होने वाली है। सरकार की तरफ से तय नियमों के तहत प्रमोशन के अलावा अनुबंधित आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को कंप्यूटर की दक्षता, जिसे आप SCTC कह सकते हैं, करना अनिवार्य है। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले रोडवेज में भी पदोन्नत किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था, जिसमें यदि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी पास नहीं होते तो उनको नए उस पद पर पे ग्रेड नहीं दिया जाएगा। इसी तरह सरकार ने समान काम समान वेतन के बाद जिले के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी इसे लागू कर दिया है। रेवाड़ी जिले के कर्मचारियों के लिए इस परीक्षा की तिथि हाट्रोन की तरफ से 3 नवंबर तय की गई है। अब कर्मचारी इस बात का डर है कि यदि परीक्षा का परिणाम उलट हुआ तो उनका क्या होगा, लिहाजा इसको लेकर बड़े स्वर में विरोध भी होने लगा है। 590 रुपये फीस देनी होगी, अगर फेल हुए तो छुट्टी। कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा तमाम विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी सहायकों को भी यह परीक्षा देनी होगी। इसके लिए हार्ट्रोन की तरफ से सभी कर्मचारियों को 590 रुपये, 500 रुपये फीस और 18% GST जमा कराना होगा। तो इसको लेकर लगभग 12 विभागों को हरियाणा सरकार ने जो है नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रमुख या जिला सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी सोसाइटी के एक अधिकारी के हवाले से जारी किए गए पत्र में जिले के 12 विभागों को भी अध्यक्षों ने यह पत्र भेज दिया, जिसको लेकर काम भी शुरू हो चुका। रेवाड़ी जिले के जो भी सभी कर्मचारियों की परीक्षा इसमें 3 नवंबर रखी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी ये खबर है, चाहे वो कार्यरत है और चाहे वो कार्यरत नहीं है, सभी के लिए। तो अब SCTC यहाँ पर हरियाणा के अंदर अनिवार्य होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि समान काम समान वेतन घोषणा का असर, चूंकि राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में अनुबंध तथा आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद सरकार को इन कर्मचारियों को भी उतना ही वेतन दिया जाना है जितना एक स्थायी कर्मचारी को। हालांकि पीड़ित कर्मचारी ने सितंबर माह में सरकार की तरफ से जारी किए गए एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें DITS के तहत लगे कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन तय करने की बात कही गई थी, लेकिन अब जारी किए गए पत्र में के बाद सवाल ही खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही आपको बता रहा था कि नई गाइडलाइन अब हर रोज़ कोई ना कोई हरियाणा सरकार लेकर आ रही है और युवाओं के साथ उसका सीधा संबंध है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन YouTube चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी मच।